वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। आप 11th में हो तो आपके लिए भी वीडियो है और बीकॉम के लिए तो ये सीरीज चल ही रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग समझते क्या है इन फॉर्म से। जैसे कि एक दुकान है, मिठाई की हो, टायर की, किसी पंक्चर वाले की, जहां पर एक अकेला इंसान होता है, वन मैन आर्मी, एक मालिक और उसकी एक दुकान। लोग यही समझते हैं कि यह है सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ, ये है सोल प्रोप्राइटरशिप, पर यह पूरा सच नहीं है। तो पूरा सच क्या है वीडियो में जानेंगे बाद में। HUF फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस वर्ड से समझ आता है कि कोई ऐसी फैमिली जो कि हिंदू रिलीजन को फॉलो करती हो और अनडिवाइडेड हो, बटी ना हो, जैसे कि ज्वाइंट फैमिली लोग समझते हैं। अब देखो, जैसे शामली में ये शॉप है कजारिया टाइल्स की, यहाँ पे टाइल्स मिलती हैं कजारिया की। अब ये टाइल्स की दुकान के अंदर ये जो ओनर्स हैं, ये दो भाई हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। अब बड़े भाई और छोटे भाई साथ साथ रहते हैं, एक ही घर के अंदर रहते हैं, एक ही रसोई का खाना खाते हैं, तो क्या मैं ये कह दूंगा कि ये भी एक HUF है? आंसर है नहीं। हम ऐसे नहीं बता सकते कि कोई घर में अगर एक साथ रहते हैं, एक ही बिजनेस करते हैं, तो वो HUF ही होगा। ऐसा नहीं होता बच्चों। तो क्योंकि बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि ज्वाइंट फैमिली ही HUF है। बिल्कुल गलत पढ़ाते हैं आपको टीचर लोग, और आप समझते भी गलत हो। और कुछ लोग समझते हैं कि HUF जो है वो केवल हिंदू धर्म के लिए है। अरे ऐसा नहीं होता, कुछ धर्म और हैं जो कि HUF का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए। चलिए, ज्यादातर लोग समझते हैं कि HUF का मतलब होता है ज्वाइंट फैमिली। ये सरासर गलत है। HUF और ज्वाइंट फैमिली दोनों अलग अलग चीज हैं। HUF का ज्वाइंट फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो रियल में है क्या HUF, जानेंगे। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर्म। जब एक बिजनेस में दो या दो से ज्यादा मालिक हों, दो से ज्यादा ओनर हों, तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। दो या दो से ज्यादा ओनर हों अगर एक ही बिजनेस में, तो ये बात बिल्कुल सही है कि यही होती है पार्टनरशिप फॉर्म। अब देखिए, एक और दुकान में आया हूँ मैं, ये पिज्जा मिलता है इस दुकान के अंदर, तो इसमें अब देख, तो अब हमने ये जो MV ग्रीन फूड्स वहाँ पे देखा था, इसको मैंने घर आकर इसका GST नंबर मैंने GST की वेबसाइट पर पेस्ट किया, और देखे मुझे क्या पता चला कि ये जो आपको दुकान दिख रही थी ये क्या है, ये पार्टनरशिप है। कि आप कैसे बता सकते हो कि ये सोल प्रोप्रेटरशिप है या पार्टनरशिप है? आप नहीं बता सकते। ठीक है, यहाँ पे पिज्ज़ा है, बर्गर है, सब कुछ है, पर क्या आप बता सकते हो कि ये सोल प्रोप्रेटर है? क्या पता ये कंपनी हो, क्या पता ये पार्टनरशिप हो? तो आप किसी दुकान को देखकर इस तरह नहीं बता सकते कि ये कोई कंपनी है या कोई पार्टनरशिप है या कोई सोल प्रोप्रेटरशिप है। इसका आंसर केवल कौन दे सकता है? या तो इनका GST नंबर आंसर देता है या फिर ओनर आंसर दे सकते हैं। अब कंपनी में किसी को बड़ा बिजनेस करना हो, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना हो, बड़े लेवल पे काम करना हो, जैसे कि इमामी है, कुरकुरे की है, तो लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा काम हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, तो वही कंपनीज होती हैं। ये भी सरासर गलत है। एग्जांपल दूं, जैसे एक शॉपकीपर है, उसको आप क्या समझते हो, एक सोल प्रोप्राइटर? जरूरी नहीं, क्या पता वो एक कंपनी हो। जी हाँ, कंपनी भी हो सकता है कोई दुकानदार। ऐसे तो अमूल दूध पीता है इंडिया, उनके करोड़ों की टर्नओवर है, साल में करोड़ों का मुनाफा है, पर फिर भी अमूल एक कंपनी नहीं है। तो क्या है अमूल, जानते हैं इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में। तो आखिर क्या पहचान है कि कोई बिजनेस सोल प्रोप्राइटर है या HUF है, पार्टनरशिप है, कंपनी है? पहचान छुपी है उसके GST नंबर में। ओके, तो अब जैसे कि एक दुकान है श्री बालाजी भटनागर डिपार्टमेंटल स्टोर, रेगुलर यूज़ का सामान मिलता है, GST नंबर है लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको नोट कर लूँगा। और भैया 2 मिनट रुक जाओ, आप कुछ मत बोलो प्लीज़। जैसे कि आप ये दुकान देख रहे हो, यहाँ पे ना रेगुलर यूज़ का सारा सामान मिलता है, जैसे यहाँ पे चिप्स हो, कुरकुरे हो, ब्रेड हो, मतलब जो भी आपके आसपास जनरल स्टोर होते हैं वो सब सामान मिलता है। तो क्या आप बता सकते हो कि ये जो दुकान है ये कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है या कोई पार्टनरशिप है या कोई कंपनी है? सोल प्रोप्राइटर भाई। अरे आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटर, जैसे ये कह रहे हैं सोल प्रोप्राइटर है, तो ठीक है, चलो इन्होंने तो बता दिया, पर बच्चों आपको कैसे पता चलेगा कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है? ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप ही होगी? ऐसा नहीं होता,
कोई दुकान को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि कोई दुकान सोल प्रोपराइटर है या कोई पार्टनरशिप है या कोई कंपनी है। हो सकता है ये पार्टनरशिप हो, इनके जो पार्टनर हैं वो दुकान में ना बैठते हों, हो सकता है ये कंपनी हो और ये प्राइवेट लिमिटेड हो। क्या मतलब कंपनी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है? ऐसा नहीं होता बच्चों, कंपनी एक तरीका है केवल बिजनेस करने का, इस तरह कुछ नहीं होता। हो सकता है ये कंपनी भी हो, आपको वीडियो में बताऊंगा। तो पहचान है, वापस से जीएसटी नंबर मैंने नोट कर लिया, उसमें बताऊंगा आपको ये क्या उनकी दुकान हो सकती है। अरे यार भाई वीडियो बना रहा हूँ बस। देखिए अब जैसे कि इस दुकान का नाम है सागर ट्रेडिंग कंपनी, ऐसे तो आप लोग इसको कंपनी, ऐसा नहीं होता। जहाँ पे कंपनी लिखा है तो जरूरी नहीं कि वो कंपनी हो। वापस से जीएसटी की वेबसाइट पर मैं आया, एक दुकान को देखकर आया था, उसका नाम है माँ दुर्गा इम्पैक्ट्स। इस दुकान का ये क्या है, ये है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब ये क्या है HUF। इसके मालिक कौन है? देखो दुकान का नाम जरूरी नहीं लीगल नेम और ट्रेड नेम सेम हो, ये तो वो नाम है जो हम बोर्ड पर लगाते हैं, दुकान के बाहर लगाते हैं, जैसे कि मैं लगाता हूँ अनिच क्लासेस। और ये क्या है, ये एक HUF है। और इसका मालिक कौन है? इस दुकान का मालिक है अरुण कुमार की फैमिली। इस दुकान की मालिक कौन है? अरुण कुमार की फैमिली, अरुण कुमार HUF। अगर यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप लिखा होता, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो यहाँ पे लिखा होता केवल अरुण कुमार, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अरुण कुमार HUF। इसका मतलब इस दुकान में जो ओनरशिप है वो किसकी है, अरुण कुमार और उसके बच्चों की। अब देखिए ये एक दुकान है निरंकारी ज्वेल्स के नाम से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निरंकारी ज्वेल्स लिखा हुआ है। तो ये जो दुकान है ये दिल्ली के GTV नगर के हडसन लेन पर स्थित है। अब इसका GST नंबर मेरे पास है, मैं आया GST वेबसाइट पर। देखो दिखने में क्या दिख रहा है आपको, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुकान है। अब आपको ऐसा लग सकता है सोल प्रोपराइटर है, चलो ठीक है, क्योंकि सोने चांदी की है तो प्रोपराइटरशिप की जगह पार्टनरशिप हो सकती है, ये HUF हो सकती है। मैंने GST की वेबसाइट पे इसको पेस्ट किया और जैसे मैंने इसको सर्च किया तो मुझे पता चला कि जो निरंकारी जो ये ज्वेल्स है ये क्या है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो इसका मतलब कि ये जो एक दुकान होती है वो एक कंपनी भी हो सकती है। आप समझ गए मैं कहना क्या समझा रहा हूँ, आपको समझाना क्या चाहता हूँ। अब देखिए अभी हमने जो आपको दुकान दिखाई थी वो पिज्ज़ा वाली MV ग्रीन फूड्स, ये पार्टनरशिप है। पर अब आप इस दुकान में देखिए, इस दुकान में ये अंकल खड़े हैं सामने, ये अंकल ही बैठे रहते हैं इस दुकान में, तो ऐसा क्यों है? जब ये पार्टनरशिप है तो यहाँ पे तो एक से ज़्यादा इंसान को होना चाहिए। तो फिर से मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा एक से ज़्यादा इंसान दुकान में आकर बैठे। इस दुकान में क्या है कि जो अंकल पिज़्ज़ा बेच रहे हैं वो एक पार्टनर है और जिसकी ये ज़मीन है वो दूसरा पार्टनर है। तो एक की ज़मीन है मतलब एक के पास पैसा था, जमीन थी, दूसरे के पास बैठने का समय था, तो दोनों ने हाथ मिलाया और अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपनी एक पार्टनरशिप बना ली। देखिए अब एक GST नंबर और है मेरे पास, मैंने उस GST नंबर को यहाँ पे GST की वेबसाइट पर पेस्ट किया और जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ये मुझे पता चला अरुण एक्सीलेंटो कंस्ट्रक्शन LLP, ये क्या है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब है तो पार्टनरशिप पर क्या है, लाइबिलिटी लिमिटेड। क्या कह रहे हो, आउट ऑफ सिलेबस है? हाँ 11th वालों के लिए तो है और BCOM वालों के लिए देखते हैं क्या है, बाकी ज़्यादा तो इसमें पढ़ना नहीं है, पर कोई बात नहीं। आपको मैंने बता दिया कि ये भी एक फॉर्म है पार्टनरशिप के अंदर जिसमें लाइबिलिटी जो कौन सी होती है, लिमिटेड होती है। अब ये देखिए ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर लिखा है अमूल चॉकलेट। आपको दिखने में क्या लगता है, अब इतनी बड़ी जगह में क्या खोल सकता है, कोई सोल प्रोप्राइटर तो नहीं खोलेगा, पार्टनरशिप तो नहीं खोलेगा, तो क्या खोलता है, वो खोलता है कंपनी। इतने बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, क्या खोलता है, आपको क्या लगेगा कि ये है कंपनी। पर देखिए पर विकिपीडिया का ये पेज है अमूल, लिखा हुआ है अमूल को कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, एक सबसे बड़ी यूनियन है ये अमूल की। ये कहती इनका विकिपीडिया का पेज का कहना है कि जो अमूल है ये क्या है, एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अमूल की वेबसाइट का कहना है कि इनके जो मेंबर्स हैं, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स हैं, 30 लाख मेंबर्स हैं। जैसे कंपनी में क्या होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स हैं कितने, 30 लाख। और GST की वेबसाइट पे भी मैंने अगर इसको पेस्ट किया था इनका GST नंबर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट ये जो यूनिट ऑफ KDMPC है अमूल डेयरी की, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ये, तो ये क्या है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है अमूल। अब मैंने आपको पढ़ा दी है ये 5 फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन की,
अब इनके एडवांटेजेस क्या है, इनके मेरिट्स क्या है, इनके डिमेरिट्स क्या है, वो हम पढ़ेंगे आने वाली नेक्स्ट 5 वीडियोस के अंदर। अगर ऊपर ऊपर से बताऊं तो यदि आपको ज्यादा सिरदर्दी मोड नहीं लेनी है तो आप खोल लीजिए सोल प्रोप्रेटरशिप। यदि आप चाहते हो कि आपका पूरा परिवार आपके बिजनेस में सम्मिलित हो तो आप खोल लीजिए HUF। पर HUF यदि आप खोलोगे तो उसमें आपको इस एक्ट में कुछ HUF के बारे में बात लिखी है जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसकी बात आपको माननी पड़ेगी। यदि आप सोच रहे हो पार्टनरशिप खोलने के लिए तो आपको पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई हर एक बात माननी पड़ेगी। यदि आप सोच रहे हो आपको कंपनी खोलनी है तो कंपनी एक्ट में जो भी बात लिखी है वो आपके ऊपर मान्य हो जाएगी, और सेम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के लिए। अब देखिए, जैसे ये मैं मेरे पास ये बुक है हिंदू सक्सेशन एक्ट। इस हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2, 3 बहुत सारे इसमें सेक्शंस जो हैं वे हैं 31 सेक्शंस हैं। ये कितनी मोटी है, ये करीब ऐसी है 100-200 पन्नों की। पर यदि आप कंपनीज एक्ट फॉलो करना चाह रहे हो तो आप देख सकते हैं कंपनीज एक्ट ये है। आपको इस बुक में हर एक बात को मानना पड़ेगा। इस बुक में जो जो रूल्स लिखे हैं वो आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। इस वजह से कहते हैं लोग कि कंपनीज एक्ट में अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हो, कोई कंपनी खोलना चाहते हो, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ी फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटीज लिखी हुई है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हमने कुछ चीज नहीं की जो इसमें लिखी हुई है तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो भी 100-200 पन्नों की है। तो बात यह है कि यदि आपको ज्यादा सिरदर्दी मोल नहीं लेनी है, किसी एक स्पेशल बुक की बात नहीं माननी है, लॉ में इसे क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं, किसी की बात नहीं माननी है, तो आप सोल प्रोप्रेटरशिप खोल लीजिए। और बाकी ये जो बाकी की 4 बुक्स हैं, जिस बुक की आप बात मानना सोचोगे वही आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। यदि आपने हाँ भर ली कि मैं कंपनी एक्ट फॉलो करने के लिए तैयार हूं, तो आप आज से कंपनी हो जाओगे। क्या कराना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और बाकी की बातें आपको अगली 5 वीडियोस में पता चल जाएगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा।